सिर्फ एक बैटरी और आपके बड़े से बड़े लोग आपके चल जाएंगे। माना आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में आपकी बहुत सारी मोटर्स चलती हैं, इसके साथ ही कुछ आपके हीटर चलते हैं। एसी की डिजाइन देख पा रहे हैं, एक स्लीक डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। फर्स्ट अपीयरेंस मैं आपको अगर रिकॉर्ड फोन का मतलब कि 11:22 से ये जो है डाटा को ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये एसी आउटपुट आप देख रहे हैं, तीनों लाइन आपको दिख रही है एसी आउटपुट की, L1 L2 L3 तीनों लाइन में आपको दिख जाएगा कितने परसेंट लोड चल रहा है, कितने वोल्टेज हैं, सारी चीजें जो है यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में दिखेंगी। इसी के साथ ग्रिड का अगर आप हीटर लगाए हुए हैं, और ये तीन हीटर जो है हमारे से चल रहे हैं, पर फेस पे एक हीटर लगाया हुआ है, 1 2 3 50 एम्पीयर तक का डिस्चार्ज जो है पर फेस आप कुछ मिली सेकंड के लिए ले सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़े चैलेंज ये होता है कि सर्ज लोड होते हैं बहुत सारी मोटर्स के, तो आपको फ्रेंड्स ये एक सुपर जो है वो इन्वर्टर आप इसको कह सकते हैं। अगर वेट की बात करूँ तो करीब 25 किलो का वेट इस इन्वर्टर पे है। वॉल आप हैंगिंग जो है वो कर सकते हैं, और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए वाईफाई डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, आप GPRS कनेक्शन आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ पूरा डाटा सोलर में सिंगल फेज जो सिस्टम है उनके साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो थ्री फेज सिस्टम है उनके साथ में बहुत बड़े चैलेंज जो है वो सोलर पैनल का देखने को मिलता है। जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है सोलर में वो ये है कि जहाँ पे तीन तरह के लोड एक साथ हो, माना रेजिस्टिव लोड भी है वहाँ पे, इंडक्टिव लोड भी है और कैपेसिटिव लोड भी है, तो ऐसी जगह सोलर सिस्टम डिजाइन किया जाता है उस तरीके से कि माना अगर आपका 5 KVA का लोड है तो कम से कम 15 KVA का सिस्टम आप लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट टाइप के जो लोड होते हैं उनका सर्ज करंट जो है वो बहुत ज्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। अब दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो ठीक है, पर ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में चैलेंज ये है कि ग्रिड की अवेलेबिलिटी अगर है वहां पे तो आपका सिस्टम काम कर रहा है, अगर ग्रिड आपका अवेलेबल नहीं है तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है। आपकी फैक्ट्री है, आपका फार्म हाउस है, आपका रिजॉर्ट है, और आपके बड़े बड़े लोड है, आपका हॉस्पिटल है, ऑनग्रिड सिस्टम्स जो हैं वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑनग्रिड सिस्टम को कंटिन्यूस जो है वो लाइट सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स का, जिसके साथ में आपको बहुत बड़ा बैटरी बैंक लगाना पड़ता है। अब बैटरी बैंक की जो है वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, और बैटरी बैंक जो है वो एक मेंटेनेंस का आइटम है, मतलब रेगुलरली आपको वाटर टैपिंग करनी है बैटरी के अंदर, 2-3 साल में बैटरी आपकी खराब हो जाएंगी, और बहुत सारी बैटरी जब सीरीज में लगी होती हैं तो उन बैटरियों में कुछ बैटरियों की खराब होने की संभावनाएं जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए नेक्सस ने एक सॉल्यूशन जो है वो बनाया है, और वो सॉल्यूशन ये है कि इस तरह का सिस्टम हम आपको दे रहे हैं जिस सिस्टम में आपको बैटरी बैंक जो है वो लगेगा बिल्कुल छोटा सा, एक बैटरी बैंक, सिर्फ एक बैटरी, और आपके बड़े से बड़े लोड आपके चल जाएंगे। माना आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आपकी बहुत सारी मोटर्स चलती हैं, इसके साथ ही कुछ आपके हीटर चलते हैं, एसी भी वहां पे चलेंगे आपके फैक्ट्री में, तो इस तरह के सारे लोड का एकमात्र सिंगल सॉल्यूशन जो है वो नेक्सस ने बनाया है, और यह है नेक्सस की इन्नो सीरीज। यह है इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में इतने फीचर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने फैक्ट्री पे, आप अपने हॉस्पिटल पे, अपने रिजॉर्ट पे प्लान कर रहे हैं, या आपके घर पे थ्री फेज का कनेक्शन है और आप सोलर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन, इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास कोई नहीं हो सकती। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेंटेनेंस फ्री, लाइफ टाइम, सिर्फ वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद पूरे जीवन इस सिस्टम को आपको झांकने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्सस का 10 किलोवाट का थ्री फेज का इन्वर्टर है, और जैसे कि आप इसका डिजाइन देख पा रहे हैं, एक स्लीक डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। फर्स्ट अपीयरेंस मैं आपको अगर दिखाऊं तो साइड में एंटी डस्टिंग जो है फिल्टर लगाए गए हैं, ये आप देखिए, और एक बिल्कुल स्लीक डिजाइन नेक्सस की प्रीमियम क्वालिटी का 10 किलोवाट। और अब इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, आपके फीचर्स सुन के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सिस्टम जो है ये नेक्सस ने बनाया है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने कनेक्शन भी बहुत सारे करा दिए हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं दिखा दूं कि क्या क्या फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में मिलने वाले हैं, क्योंकि फीचर्स ही इसमें इतने ज्यादा हैं कि एक एक फीचर्स बताते बताते इसमें बहुत टाइम हो जाना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एसी ब्रेकर लगा है, और ये हमारे एसी करंट को कट करने के लिए है कि अगर किसी वजह से आपके हमारे जो करंट है, सप्लाई है, इनपुट सप्लाई है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये सेल्फ में भी उसको कट कर सकता है। और बाकी जो है आप आपकी एसी सप्लाई को कट करना चाहते हैं तो आपकी एसी सप्लाई भी यहां से कट हो जाएगी।
तो ये एसी की थ्री फेज सप्लाई के लिए एसी इनपुट कनेक्टर्स जो हैं, ये गोल गोल जो आप देख रहे हैं ये इनपुट कनेक्टर है, और ऐसे ही ये आउटपुट के लिए कनेक्टर है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको तीन की बजाय आप चार वायर इसमें देख पा रहे हैं कि चार वायर जो है आउटपुट से हमारे निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर के लिए, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, इसके लिए आपको एक चौथी जो न्यूट्रल की लाइन है वो मस्ट है, न्यूट्रल की लाइन आपको इस सिस्टम में देनी ही देनी है। तीन तो है आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू, और बाकी जो चौथा है वो है हमारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर की आपको डेफिनेटली इसमें आवश्यकता पड़नी है, इनपुट में भी आपको आवश्यकता पड़नी है और आउटपुट में भी इसको आपको आवश्यकता पड़नी है। इसी के साथ आप ये देख रहे हैं ड्यूअल एमपीपीटी इसमें, और ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर आप यकीन करेंगे कि 15 किलोवाट तक का भी पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। 14,850 वाट का पैनल जो है ये सपोर्ट करता है, और इसके ड्यूअल जो है एमपीपीटी सेक्शन इसमें दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप के पैनल भी आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के पैनल्स भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, माना कि एक स्ट्रिंग में आपने 420 वाट का पैनल लगाया हुआ है और बाद में आपको 580 वाट का पैनल लगाना है तो दूसरी स्ट्रिंग में आप 580 वाट का पैनल भी लगा सकते हैं। पैनल सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14,850 वाट का पैनल सपोर्ट आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलता है, तो एक सुपर इन्वर्टर ये हो जाता है। तो नॉर्मली आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लेंगे तो 10 केवी के सिस्टम में आपको मैक्सिमम जो है वो 10 से 12 किलोवाट ही पैनल सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ पीवी स्विच आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पीवी स्विच जो है सोलर पावर जो है उसको ऑन ऑफ करने के लिए है, कि किसी वजह से आपको सिस्टम जो है वो अपना ट्रबल शूट करना है तो उस कंडीशन में आप पीवी ऑफ कर सकते हैं। इस नोब को घुमा के जो है आप पीवी ऑफ कर देंगे, जिससे आपका जो आप जो भी आपकी सप्लाई है डीसी सप्लाई है उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये आप इसमें एक इंटेलिजेंट स्लॉट देख रहे हैं, ये इंटेलिजेंट स्लॉट में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें मेन आपको मैं बता देता हूँ, RS232 पोर्ट जो है, और इसी के साथ आप अपने डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाटा है इसका वो सारा डाटा आप रीड कर सकते हैं। USB डिवाइस के लिए पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट से आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। आपका सिस्टम जो है, अगर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गया है इस सिस्टम का तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो जिससे आप अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करके सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। इसमें एक ही जो आप DRY CON देख रहे हैं और इसी के साथ DRB देख रहे हैं, ये इसलिए पोर्ट दिए हुए हैं कि ताकि आपको किसी सिस्टम फेलियर की कंडीशन में, माना आपको DG सपोर्ट लेना है, DG ऑन करना है, सिस्टम अनहेल्दी कंडीशन में, तो वहाँ पे ये जो आपकी पोर्ट है ये आपके काम आते हैं। इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट रह जाता है वो आप देख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन, और ये पैरेलल कनेक्शन के लिए यहाँ पे पोर्ट जो है दिए हुए हैं। अब इसका सबसे जबरदस्त एडवांटेज जो है वो पैरेलल कनेक्शन का, वो ये है कि जैसे कि आप ये इन्वर्टर देख पा रहे होंगे, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, ये इन्वर्टर है मात्र 48 वोल्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि केवल एक बैटरी की इसको आवश्यकता पड़ने वाली है, और ये आप देख रहे हैं नेक्सस की 48 वोल्ट की बैटरी हमने इस पे लगाई हुई है। आप चाहे तो अप टू 8 बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, 8 बैटरी लगा सकते हैं, आपको माना ज्यादा बैकअप रिक्वायर्ड है तो आप 8 बैटरी भी लगा सकते हैं। जो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 48 वोल्ट की, तो 48 वोल्ट जो है की बैटरी इस पे लगनी है। और अब इस सिस्टम को माना आपको 20 किलोवाट का सिस्टम करना है, या आपको 30 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, आपको 50 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, तो अप टू 20 सिस्टम आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं, अप टू 20 इन्वर्टर जो है आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस सिस्टम से आप 200 किलोवाट तक बना सकते हैं। आप सोचिए कितनी जबरदस्त जो है वो टेक्नोलॉजी है, कि आपको एक 10 किलोवाट के सिस्टम पे, 10 केवी की बात नहीं कर रहा हूं, 10 किलोवाट की बात कर रहा हूं, 10 किलोवाट के सिस्टम पे आपको सिर्फ एक बैटरी लगनी है। अभी माना आपको 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो सिर्फ आपको ये दो बैटरी लेनी है, दो ये इन्वर्टर खरीद रहे हैं और आपका काम हो गया। आपको 30 किलोवाट लेना है, सिर्फ तीन बैटरी पे आपका 30 किलोवाट और पांच बैटरी पे आपका 50 किलोवाट बन जाता है। तो आप सोचिए आपको कितना बैकअप रिक्वायर्ड है, एक सिस्टम के साथ आप अप टू 8 बैटरी लगा सकते हैं। आप ये समझिए, अभी 100 AH की ये बैटरी है, तो 100 AH की बैटरी अगर आपने 8 बैटरी कनेक्ट कर दी तो इसका मतलब ये है कि 800 AH हो जाएगा। तो अगर आपको नाइट बैकअप ज्यादा रिक्वायर्ड है तो हर सिस्टम पे आप 8 बैटरी तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। 8 बैटरी तो आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो 16 बैटरी भी कनेक्ट हो जाएंगी इसके ऊपर। तो मतलब कितना भी बड़ा पावर बैंक आप इसके पीछे लगा सकते हैं। लेड एसिड चाहे आप लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और अगर आप लिथियम बैटरी चाहें तो लिथियम बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना जबरदस्त सिस्टम, तो ये सिस्टम जो है मैंने ऑन करा दिया है, आपको इसकी डिस्प्ले दिखाता हूं। जैसे कि आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, डिस्प्ले में जो है सारी चीजें आई हुई हैं। तो ये सिस्टम जो है हमारा ऑन हो गया है,
और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पैरामीटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले पैरामीटर पर हमें डाटा रिकॉर्ड जो है वो फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो मतलब डाटा रिकॉर्ड फॉर्म का मतलब कि 11:22 से ये जो है डाटा को ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये एसी आउटपुट आप देख रहे हैं, तीनों लाइन आपको दिख रही हैं एसी आउटपुट की, L1, L2, L3 तीनों लाइन में आपको दिख जाएगा कितने परसेंट लोड चल रहा है, कितने वोल्टेज हैं, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में दिखेंगी। इसी के साथ ग्रिड का अगर आप देखेंगे तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों लाइन के आपको एसी इनपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप ये जो सेकंड देख पा रहे हैं, सेकंड में आपको पीवी का दिखता है, हमारा जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल का कितना इनपुट आ रहा है। और पर चूंकि दो इसमें एमपीपीटी स्ट्रिंग है, तो दोनों एमपीपीटी स्ट्रिंग का ये सेपरेट सेपरेट भी दिखा सकता है आपको, और आप सिंगल देखना चाहें तो सिंगल भी आप इसमें देख सकते हैं। तो कितने किलोवाट का आपका सोलर आ रहा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसी के साथ बैटरी कैपेसिटी जो है वो आपको देखने को यहाँ मिलती है कि बैटरी अभी जो है हमारी 47 वोल्ट है। तो जैसे जैसे हमारी बैटरी के वोल्टेज जो है प्लस माइनस होंगे, तो यहाँ पे आपको बैटरी के वोल्टेज जो है आप प्लस माइनस करके देख सकते हैं। डिस्चार्जिंग आप देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं 56 एम्पियर की जो है ये डिस्चार्जिंग हो रही है। और ये क्योंकि डीसी साइड में 56 एम्पियर है, एसी साइड के नहीं है, तो ये अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि क्या आप डिस्चार्ज हम इससे करा रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये हमने तीन जो है ये अपने हीटर लगाए हुए हैं, और ये तीन हीटर जो है हमारे इससे चल रहे हैं। पर फेस पे एक हीटर लगाया हुआ है, 1, 2, 3 50 एम्पीयर तक का डिस्चार्ज जो है पर फेस आप कुछ मिली सेकंड के लिए ले सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़े चैलेंज ये होता है कि सर्ज लोड होते हैं बहुत सारी मोटर्स के, तो आपको 5 kVA की मोटर चलाने के लिए कम से कम 15 किलोवाट का सिस्टम जो है वो लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे इस इन्वर्टर के अंदर ये फीचर है कि ये 200% जो है वो ओवरलोड हो जाता है। तो 200% ओवरलोड होने का मतलब है कि आपका 5 kVA की जो मोटर है, 3 phase की मोटर है, उसको हमारे 10 किलोवाट का सिस्टम जो है बहुत आराम से चला देगा, क्योंकि इसके अंदर ओवरलोडिंग जो है वो 200% तक ओवरलोडिंग जो है इस सिस्टम में दी हुई है। बैटरी चार्जिंग की बात करूं तो 10 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक के करंट से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो आपको अपनी बैटरी की जिस भी हिसाब से चार्जिंग चाहिए, नंबर ऑफ बैटरी आपकी ज़्यादा है तो आप हाई एम्पियर से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपकी बैटरी जो है कि क्वांटिटी कम है, आपने एक ही बैटरी लगाई हुई है, तो उस कंडीशन में आप अपनी बैटरी को 10 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। चूंकि इस सिस्टम में मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप ये देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर लेस ये टेक्नोलॉजी है, और 8 MPPT का यूज किया हुआ है। अगर VOC की बात करूं तो 850 की VOC आपको मिलती है, मतलब कि आप अप टू 15 से 20 जो है वो सोलर पैनल को आप इसके ऊपर सीरीज कर सकते हैं पर स्ट्रिंग में। तो इतनी हाई VOC आपको इस पैनल इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 किलोवाट का रेगुलर लोड आप इजीली, बहुत इजीली आप इस इन्वर्टर पे चला सकते हैं। तो अब मान आपको आज आपको जरूरत है कि साहब आपका 10 किलोवाट से आपका काम हो जाए, बाद में इन फ्यूचर आपके लोड बढ़ जाएंगे, तो अगर आपके इन फ्यूचर लोड बढ़ने वाले हैं तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने 10 kVA का सिस्टम ले लिया, नेक्स्ट आप दो सिस्टम और ले सकते हैं, एक सिस्टम और ले सकते हैं, और आपका 20-30 किलोवाट आपका बन जाएगा। इस साल आपने 10 किलोवाट ले लिया, इसी के साथ नेक्स्ट ईयर जो है वो आप 20 किलोवाट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सुपर जो है वो इन्वर्टर आप इसको कह सकते हैं। अगर वेट की बात करूं तो करीब 25 किलो का वेट इस इन्वर्टर पे है। वॉल आप हैंगिंग जो है वो कर सकते हैं, और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए वाईफाई डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, आप GPRS कनेक्शन आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ पूरा डाटा आप अपने लैपटॉप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो इसकी डिस्प्ले है आप इसकी डिस्प्ले पे भी पूरा डाटा देख सकते हैं। तो जो लोड है वो अभी आप देख रहे हैं, चूंकि हमने इसमें अभी AC लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं कराई है, तो बैटरी से हमारा लोड चल रहा है। तो आप देख रहे हैं बैटरी से DC लोड चल रहा है, DC to DC आप ये दिखा रहा है, और इसके साथ DC to AC कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद में लोड चल रहा है। तो किस तरह ये काम करता है वो पूरा ग्राफिकल डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। सिस्टम का स्टेटस जो है वो ओके है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सिस्टम अगर कोई भी फॉल्ट सिस्टम में होता है तो आपको जो भी इसका सिस्टम में कोई फॉल्ट है तो वहाँ एरर कोड जो है उसका आ जाएगा। इसी के साथ एनर्जी जनरेशन जो है, कितना आपका एनर्जी जनरेट हुई, तो आप ये देख रहे हैं कि 0.819 किलोवाट जो है एनर्जी जनरेट हुई है हमारी टेस्टिंग के लिए है, जो हमने टेस्ट किया था उस टाइम पे, तो उसकी एनर्जी दिखा रहा है। तो आप टुडे की आपको यहाँ आप देख पाएंगे कि आज आपकी कितनी एनर्जी जनरेट हुई, और ओवरऑल आप आज तक आपकी कितनी एनर्जी जनरेट हुई है उसके लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितनी आपकी एनर्जी जनरेट हुई। आपका सपोज लोड चल रहा है आपका 2 किलोवाट का, और आपका सोलर जो है वो आ रहा है आपका 8 किलोवाट, तो 6 किलोवाट से बैटरी चार्ज कर देगा, और अगर आपने नेट मीटरिंग लिया हुआ है तो 6 किलोवाट ही आपकी लाइन में भी डाल देगा।
तो नेट मीटरिंग भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर करा सकते हैं, जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स में होती है, और आपको उस टाइम पे भी ये सिस्टम काम करेगा जिस टाइम पे आपकी ग्रिड जो है फेल हो जाएगी, आपकी ग्रिड चली जाएगी। तो माना आपके यहाँ पे 2 घंटे के पावर फेलियर है, तो आप नंबर ऑफ बैटरी उतनी ज्यादा ले सकते हैं कि 2 घंटे का जो पावर फेलियर है वो सोलर प्लस बैटरी दोनों से मिलकर आपका चल जाए। तो फ्रेंड्स, अभी बताने को इस इन्वर्टर में बहुत ज्यादा फीचर्स और बाकी हैं, और जैसे कि हम लोग जाने जाते हैं सबसे प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स बनाने के लिए नेक्सस जानी जाती है। तो नेक्सस ने जो है ये एक बेहतरीन सिस्टम आप लोगों के लिए दिया है कि जिन लोगों को भी बड़े लोड चलाने हैं, 3 फेज लोड चलाने हैं, वो सारे लोड जो है आप इस सिस्टम से चला सकते हैं। तो चूंकि अभी इस इन्वर्टर के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो इस इन्वर्टर में मैं एक और दूसरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी और जो है वो टेक्निकल पैरामीटर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर को लेने के लिए आपको नेक्सस की वेबसाइट www.nexussolarenergy पर जाना है, वहां पे आपको ये इन्वर्टर जो है ये आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको अगर बैटरी की आवश्यकता है तो आप नॉर्मली लेड एसिड बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और चाहे तो आप लिथियम बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।